नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल मच गया है। वीडियो को लेकर विरोधी दल के नेताओं ने बीजेपी और मंत्री सतीश शर्मा पर हमला शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने भी इसे लेकर सतीश शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि अगर ये किसी और जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी बीजेपी वाले उसे पार्टी से बाहर निकाल चुके होते। वैसे बाबा चुप क्यों हैं? बाराबंकी के प्रसिद्ध लोदेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी जी के सरकार में मंत्री है और साथ में खड़े एक और मंत्री जो स्वघोषित रूप से ब्राह्मण चेहरा है वो भी खड़े हैं। यही काम अगर और किसी जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाइयों ने उसका निष्कासन करा दिया होता। अब इस अधर्मी का निष्कासन योगी जी कब करेंगे? और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये धर्म के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और सरकार में आने के बाद सिर्फ अधर्म का ही काम करते हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इस अधर्मी सतीश शर्मा को अपनी सरकार से कब बर्खास्त करेंगे? दरअसल मंत्री सतीश शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बाराबंकी के रामपुर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। वीडियो में वो शिवलिंग के पास हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ पास में ही जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद भी हैं जो हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं। सतीश शर्मा पुजारी से कुछ इशारा करते हैं, इसके बाद पुजारी लोटे में उन्हें पानी देते हैं और सतीश शर्मा शिवलिंग के पास ही हाथ धोते दिखते हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी सामान्य बुद्धि नहीं है कि शिवलिंग के पास हाथ नहीं धोए जाते हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में टीवी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मंदिर नहीं जाते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं और मंदिर जब भी वो चुनाव के दौरान गए तो नमाज की मुद्रा में बैठ गए। जिनको खुद पूजा करने का सलीका नहीं मालूम हो वो आज भारतीय जनता पार्टी को पूजा पाठ करने का सलीका सिखाएंगे? जिन्होंने कारसैनिकों पर गोली चलवाई हो, जो राम भक्तों से नफरत करते हो, जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हो, अब वो भी पूजा पाठ का तरीका सिखाएंगे? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर पौराणिक है और स्थानीय लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। फिलहाल लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर अब बवाल बढ़ता ही जा रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।